Hello students, and once again welcome back to your online class. Yesterday we have begun with a new chapter of your new supplementary reader book of English named Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery, means जब surgery में किसी को जीत या success मिलती है. And the author of this chapter is James Herriot, जो कि खुद से author भी है, plus he is a veterinary surgeon as well. वो animals को treat करते हैं, उनकी surgeries करते हैं. So what we have discussed, let's have a short recap. A Triumph of Surgery is basically based on three main characters, that is the author, a dog named Tricky and a rich mistress named Mrs. Bumfairy. तो यहाँ पर एक जो dog है Tricky, वो काफ़ी ज़्यादा rich एक mistress को, एक मालकिन को बिलोंग करता है जो मिसेस बमफेरी है उनको, और वो Tricky का इस तरीके से ध्यान रखती है जैसे कोई अपने स्मॉल किड का रखता है. बट उस पैम्परिंग में, उसको इतना ज़्यादा प्यार देने में वो ये भूल गई कि Tricky एक एनिमल है जिसको अगर उसने प्रॉपरली ट्रीट नहीं करा तो वो भी बीमार पड़ सकता है. सो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ Tricky's बीइंग इल? वो बीमार क्यों पड़ा था? बिकॉज कंटिन्यूसली फुल टाइम उनको मिसेस बमफेरी कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती थी, एंड दैट ऑल्सो इन अ ह्यूज अमाउंट. और इसीलिए Tricky काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी बन गया था. उसको हर टाइम पर खाना चाहिए था, उसको हर टाइम पर भूख लगती थी, और वो नेचर वाइज लेज़ी हो गया था. सो जब उनको मिसेस बमफेरी को इन डॉक्टर ने, जो यहाँ पर ऑथर हैं मिस्टर Herriot, उन्होंने सजेस्ट करा कि आप Tricky का कुछ फूड कट कर दीजिए, उसकी डाइट मेंटेन करिए, एंड देर शुड बी सम एक्सरसाइज जो कि Tricky को हर बार फॉलो करनी है. तो यहाँ पर जो मिसेस बमफेरी थी वो टेंशन में आ गई कि मेरा Tricky इतना सब नहीं कर पाएगा, और अगर वो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करी विदाउट ईटिंग सो मच ऑफ फूड तो वो वीक हो जाएगा. सो यहाँ पर ऑथर का एक एडवाइस था कि अगर आपने Tricky को अभी से ही कंट्रोल नहीं करा तो वैसे ही बीमार है, कुछ टाइम बाद वो इतना इल हो जाएगा कि वो क्योर भी नहीं हो पाएगा. सो वी हैव सीन दैट, सी दिस Tricky, वी हैव सीन दैट दिस टाइम मिसेस बमफेरी शी वॉज स्ट्रिक्ट विद Tricky, बट कुछ टाइम ऐसा आया कि Tricky ने कुछ दिन तो डाइट फॉलो करी, बट आफ्टर सम टाइम्स वो इतना बीमार पड़ गया कि ना ही उसको अपना फेवरेट फूड चाहिए था, ना ही उसको सोना था, और हर बार वो काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहा था, और उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो वो वॉमिट भी कर रहा था. सो नाउ द ऑथर सेड कि Tricky को वन डे के लिए, मीन्स एक फोर्टनाइट, एक रात के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व Tricky वेरी क्लियरली. सो दिस टाइम मिसेस बमफेरी शी वॉज वेरी, मीन्स ही वॉज इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि क्या उनको Tricky को अपने से दूर रखना चाहिए या नहीं, क्या Tricky उनके बिना रह पाएगा या नहीं, जबकि बात सिर्फ एक दिन की थी. सो ऑथर यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि या तो आप अपने डॉग को ठीक कर लीजिए, या फिर आप उनके ऊपर अपना पैम्परनेस ऐसे ही दिखाते रहिए, और एक टाइम आएगा कि उसकी डेथ हो जाएगी. सो नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 3 व्हाट हैपेंड फर्दर. So here, and followed by Mrs. Bumfairy's wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. तो यहाँ पर मिस्टर बमफेरी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, वो वेल कर रही थी, बट तब जाकर भी ऑथर के लिए अभी जो नीडेड था वो था कि Tricky को ट्रीट करें और उसको क्योर करें, इसीलिए वो अपनी कार में लिटिल Tricky को, लिटिल डॉग को लेकर चले गए, और उसको एक ब्लैंकेट में रैप करा बिकॉज ही वॉज नॉट वेल. The entire staff was roused and maids rushed in and out and bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Bumfairy, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही author means the surgeon वो Tricky को लेकर जा रहे थे, तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो सारा का सारा स्टाफ जो कहीं ना कहीं Tricky के क्लोज था, सारी की सारी वहाँ पर मेट्स
वो सब कुछ फिक्की के लिए ला रही थी। कभी कोई उसका डे बेड सजा रहा था, कभी कोई नाइट बेड सजा रहा था, कभी कोई उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, एवरीथिंग दे वर कीपिंग, रबर रिंग्स जिसको वो कहीं ना कहीं थ्रो कर कर उनको कैच करता था, एवरीथिंग वॉज देयर। इवन जो उसको एक एक बाउल एज अ फूड खाना था, न्यूट्रिशियस फूड, वो भी ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, नाइट डिनर, इसके अकॉर्डिंग वो उसको बाउल्स भी देते जा रहे थे। तब जाकर ऑथर को समझ में नहीं आया कि उनकी कार ये सब झेल पाएगी स्टफ्स या नहीं, क्योंकि हर बार उनकी कार में इतना ज़्यादा स्टफ जाता था कि ट्रिकी को कब क्या करना है क्या नहीं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ऑथर क्रेज़ी हो गए कि वो डॉग को जब क्योर करना चाहते हैं तो हर कोई उनको इतना ज़्यादा पैम्पर क्यों कर रहा है, या सारा दिन उसको फूड क्यों दे रहा है, वाई सो मच ऑफ अटैचमेंट। एंड वहाँ पर मिसेस पम्फ्री जब उन्होंने देखा कि ऑथर अपनी कार को बस लेकर ही जाने वाले हैं हॉस्पिटल तक, तब तक उन्होंने ट्रिकी के इतने सारे कोट्स उसके वार्डरोब से निकाले और उन्होंने विंडो से ही उन कोट्स को थ्रो कर दिया ऑथर की कार में। एंड फाइनली ऑथर को ये लगा कि अब उनको ट्रिकी को इनसे थोड़ा सा दूर ले जाना चाहिए। सो एवरीबडी जो कि आसपास थे, जो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो सब एकदम से टीयर्स को शेड करने लगे। मीन्स उनको दुख लग रहा था कि ट्रिकी कब उनके पास दोबारा आएगा आफ्टर बीइंग क्योर्ड। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन योर, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब यहाँ पर जैसे वो अपनी कार ड्राइव कर रहे थे ऑथर, उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक लग रहा था। मीन्स काफ़ी ज़्यादा वीक एंड पिटिएबल, मीन्स उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी। और वो जो लिटिल एनिमल था वो खुद से गैस कर रहा था, मीन्स डीप ब्रीदिंग लेने की कोशिश कर रहा था, उसको ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी और वो एक साइड सीट पर चुपचाप से लाई डाउन करा हुआ था। जब ऑथर ने उन्होंने ट्रिकी को पैटेड करा, मतलब उसके ऊपर पैट करा, उसको आराम से सहलाया, तब ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर अपनी टेल को हिलाया, टेल को वैग करा कि मीन्स वो हैप्पी है कि ऑथर उसको वैग कर रहा है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला इस ओल्ड लैड ने, मीन्स एक बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता है जिसको हर एक चीज़ लालच में चाहिए होती है, इस कारण से उसने अपनी हालत खुद ख़राब करी है और अब जाकर मेरा एक ही काम है टू क्योर ट्रिकी वेल। See the next paragraph. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब यहाँ पर जब सर्जरी का टाइम आने वाला था, उसके पहले काफ़ी सारे ऐसे हाउसहोल्ड डॉग्स थे जो ट्रिकी के बिल्कुल आसपास आ गए और उन्होंने एक राउंड बना लिया। लेकिन जब उन्होंने ट्रिकी को देखा, ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा था, एक ही जगह बैठा हुआ था, उसकी आईज़ भी डल थी और वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया था। मीन्स इन द सेंस उसकी बॉडी इतनी वीक हो गई थी, वो इतना इल हो गया था कि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था, वो कारपेट पर एक जगह ऐसे ही लेटा हुआ था। तो जब सारे डॉग्स ने देखा कि मींस उनकी कंपनी देखकर भी ट्रिकी में कोई मूवमेंट नहीं आया, तो सारे के सारे डॉग्स जो कि ट्रिकी को देखने आए थे, उससे खेलने आए थे, उसके आसपास थोड़ी देर घूमे, देवर स्निफिंग राउंड, बट कुछ टाइम बाद उनको ये लगा कि ट्रिकी एक डॉग है ही नहीं, वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग जो कि एक जगह ऐसे ही बैठी हुई है। तो उन्होंने ट्रिकी को इग्नोर करा और सारे डॉग्स वापस चले गए। Come to the next paragraph. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Tab yahan par kuch aur changes aaye. Yahan par jo tricky tha, तो उसकी अब कंडीशन क्या थी, पहले के 2 दिन तो वो बिल्कुल ऐसे ही लाई डाउन था, बट ऑथर ने उसको तो भी कोई खाना नहीं दिया। ऑथर को पता था कि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा वीक है, बट बीइंग अ डॉक्टर उनको ये भी पता था हाउ टू ट्रीट द पेशेंट।
बस उन्होंने उसको प्लेंटी ऑफ एम्प्टी ऑफ वाटर ही वाटर दिया कि ट्रिकी जितना चाहे उसको ड्रिंक कर सकता है, और सिर्फ उसकी डाइट में एक ही चीज़ इंक्लूडेड थी, दैट वाज वाटर। लेकिन फर्स्ट डे तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, सेकेंड डे ऑलमोस्ट ऑथर की होप टूट गई थी कि ट्रिकी एक इंटरेस्ट शो कर भी रहा है या नहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। बट सेकेंड डे के लास्ट में ट्रिकी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, वो अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगा, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। और थर्ड डे वो एकदम से एक विम्परिंग साउंड करने लगा। नाउ व्हाट इज़ विम्पर साउंड? मीन्स जिस तरीके से डॉग एक दूसरे को बुलाते हैं या कोई ना कोई सिग्नल साउंड देते हैं, वैसा ही विम्पर साउंड ट्रिकी भी करने लगा कि आसपास के जो उसके यार्ड में डॉग्स हैं उन सब से वो बात करना चाहता है या उन सब के साथ वो खेलना चाहता है। सो दैट विम्पर साउंड ही पुट। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ट्रिकी जो था, जैसे ही उस दिन डॉक्टर ने डोर को ओपन करा, ट्रिकी एकदम से जो उसका एक बेड तैयार किया गया था वहाँ से स्पीड में ट्रॉटेड हुआ, मतलब वहाँ से स्पीड में वॉक कर कर आया एक ब्रिस्क फॉर्म में, और वो सारे के सारे जो भी वहाँ पर डॉग्स थे उन एनिमल्स के साथ मिलजुल कर खेलने लगा। ही वॉज एनगल्ड, ही वॉज एंगेज विद अदर डॉग्स। तो कुछ डॉग्स जिनके साथ वो इंगेज था उनमें से कुछ हैं जो एक है ग्रे हाउंड, और कुछ ऐसे ही सारे के सारे डॉग्स थे जिनके साथ वो खेलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद ए सरप्लस फैट। तो यहाँ पर डॉग्स ने एकदम से तो ट्रिकी से फ्रेंडशिप नहीं करी, वो यहाँ वहाँ ट्रिकी के साथ घूमने लगे, उसको गोल घुमाने लगे, एक साथ आसपास रोल करने लगे, एंड तब जाकर उनको लगा कि ट्रिकी एक अच्छा डॉग है। तो सारे के सारे डॉग्स नीचे की तरफ गार्डन की तरफ उतर गए ताकि वो प्ले कर सके, और तब जाकर ट्रिकी एक ऐसा डॉग था जो खेलना चाहता था बट वो धीरे धीरे रोल कर रहा था, धीरे धीरे खेल पा रहा था, जस्ट बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फैटी था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट था, तो उसकी हर एक एक्टिविटी काफ़ी धीरे हो रही थी। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब यहाँ पर next day जब Tristan means वहाँ पर जो एक nurse जो सारे के सारे dogs को खाना देती थी, वो धीरे धीरे खाना उन बाउल्स में डाल रही थी, मींस बाउल्स में फूड धीरे धीरे स्लॉप डाउन हो रहा था। इवन हर एक डॉग के लिए एक अलग से बाउल रखा हुआ था, बट डॉग्स ह्यूमन बींग्स तो नहीं हैं, तो उनको पता था कि अगर उन्होंने अपना बाउल टाइम पर फिनिश नहीं करा या रेस में आगे नहीं आए उस खाने को खाने के लिए, तो कोई भी अदर डॉग उनके बाउल को फिनिश कर देगा। इसलिए उनको हाई स्पीड में वहाँ तक दौड़ना भी पड़ता है और अपने बाउल्स को लेना भी पड़ता है जस्ट फॉर ईटिंग। एंड यहाँ पर एक एनिमल जिसको सरवाइव करना पड़ा वो था ट्रिकी। वो तेज़ी से भाग नहीं पाया, वो इन सब के कॉम्पिटिशन से पीछे रह गया, और यहाँ पर उसको सिर्फ लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील मिला, मींस बचा हुआ कुछ फूड जो कि डॉग्स ने कहीं ना कहीं गिरा दिया था या वो खाने के पहले ही छोड़ चुके थे कुछ। सी दिस, यू कैन सी द ऑथर एज वेल एज द सर्जन मिस्टर हैरिस, मिस्टर जेम्स हैरियट। सो नाउ यू कैन सी अदर डॉग्स एंड ट्रिकी एज वेल। सी दिस, कम टू पेज नंबर 4th। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और द टू ऑफ देम। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब यहाँ पर ट्रिकी जो था अगेन सारे के सारे शाइनिंग बाउल्स की तरफ दोबारा से देख रहा था और उन्हीं को ही कैजुअली लिक कर रहा था, मींस उसका पेट तो भरा नहीं था लेकिन उसके चाटने से अगर उसको थोड़ा बहुत भी खाना मिलेगा तो उस चीज़ को वो एंजॉय कर सकेगा। तो अगले ही दिन ट्रिकी को पहले तो इनके कॉम्पिटिशन में लगाया गया कि उसको खाना मिल रहा है नहीं, बट उस दिन भी ट्रिकी को खाना नहीं मिला, तो ऑथर ने अपनी तरफ से ट्रिकी के लिए अलग से एक एक्स्ट्रा बाउल लगवाया और उसके सामने रख दिया, और ट्रिकी उस बाउल को पकड़ने के लिए
उस बाउल को पुश करने के लिए आगे आया और उसने अपनी हिम्मत से जोसल कर उस बाउल को पुल करने के लिए आगे आकर उसको खाना पसंद करा। तो दिस टाइम ट्रिकी जो था उसके मूवमेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट था। वो पहले से फर्स्ट रन कर रहा था और अपने खाने के लिए खुद से लड़ रहा था कि उसका ये बाउल भी ना छिन जाए। सो दैट्स वाई ही वॉज शोइंग अ जॉस्टलिंग साइन। वो खुश होकर पुल एंड पुश कर अपने फूड को खुद से अटेम्प्ट कर रहा था। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at his mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. Tricky ka koi bhi surgery nahi hui, koi operation nahi hua. और उसको कोई पर्टिकुलर मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसके लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी और वो थी ऑल डे रन करना। और वो रन तभी कर सकता है जब उसको अपनी कंपनी मिले, मींस अदर डॉग्स मिले। तो अब जाकर ट्रिकी को एक स्क्रिमेज मिला था। स्क्रिमेज मींस एक काफ़ी ज़्यादा रफ एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्ट्रगल। मीन्स अगर उसको अपने लिए कुछ लेना है तो उसको इन्हीं डॉग्स के बीच में स्ट्रगल करके लेना पड़ेगा। हर बार उसको सर्व करने उसकी रिच मिस्ट्रेस नहीं आएंगी। और इसी स्क्रिमेज के बीच में वो अपने आप के लिए अब जॉय ढूंढने लगा था। उसको अच्छा लगता था कि वो किस तरीके से अपना बाउल स्नैच कर रहा है, खुद से खाना खा रहा है, किस तरीके से बाकी सारी चीज़ों को ट्रैम कर रहा है, मतलब कि क्रश कर रहा है जिस तरीके से सारे डॉग्स करते हैं। और ऐसे ही करते करते सारे डॉग्स मेम्बर्स ने भी उसको अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स उसको अपने गैंग का एक पार्टनर बना दिया। तो उनके साथ फूड भी खाता, उनके साथ भागता भी। और इसी चीज़ के लिए सिर्फ ये लगता कि वो सारे स्ट्रीट डॉग्स लगते थे और ये एक रिच डॉग लगता था विथ अ सिल्की स्किन। बट सारी एक्टिविटीज़ उसकी अदर डॉग्स के साथ मैच होती थी। और इवन अगर उसको और ज़्यादा भूख लगे तो भी वो डॉग्स के साथ ही स्ट्रगल कर नाइट में जो हैन हाउस होते हैं जहाँ पर हैंस को रखा जाता है, वहाँ पर नाइट में रैट्स को कैच करने के लिए भी वो जाता था। Coming to the next paragraph. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly, his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Ab yahan par हर बार ऑथर के घर पर जो एक नॉर्मल मेहमान या विजिटर आता था वो कौन था? मिसेस पम्फ्री। तो मिसेस पम्फ्री हर बार एक एंशियसनेस के साथ, मींस क्या हुआ क्या नहीं, जिस चीज़ को आप उत्सुकता बोलते हो, उस होवर्डनेस के साथ आती थी ऑथर के पास और हर बार यही पूछती थी कि लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, मींस मेरा ट्रिकी कैसा है, वो ठीक है या नहीं, उसने खाना खाया या नहीं, उसके क्वेश्चंस टाइम टू टाइम चेंज हुए या नहीं, वो अच्छे बेड पर तो है। और इसी अकॉर्डिंग उसको वेदर के अकॉर्डिंग जितने भी मैंने कोट्स दिए थे कि आप लोग पहना रहे या नहीं, एवरीथिंग। तब जाकर ऑथर ने हर चीज़ को हाँ बोला कि हाँ इन सब का ख्याल हम रखते हैं। साथ ही साथ द ऑथर द सर्जन उन्होंने ये भी चीज़ बोली दैट ट्रिकी इज़ आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है एंड ही इज़ कन्वलेसिंग रैपिडली, मीन्स वो अब इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, वो रिकवर हो रहा है और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। द वर्ड कॉन्वेलसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। यहाँ पर एक ही वर्ड था कॉन्वेलसिंग, मीन्स उसकी जो भी सारी रिकवरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो रही है और वो आउट ऑफ डेंजर है। इस चीज़ ने मिसेस पम्फ्री को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया, वो खुश थी कि उनका ट्रिकी ठीक हो रहा है। She started to bring round fresh eggs 2 dozens at a time to build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. यहाँ पर वो Tricky के लिए dozen of eggs किसको दे जाती थी? Author को, ताकि वो Tricky को दे सकें। But वो सारे eggs author खुद से अपने friends के साथ consume करते थे all the time 2 eggs in the breakfast.
तो इस तरीके से उनको एग्स परचेज नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि अगर ऑथर उनको बोलते कि वो ट्रिकी को ये सब नहीं दे सकते हैं तो खुद से मिसेस मम्फ्री हॉस्पिटल में आ जाती और ट्रिकी को फिर से उतना ही फूड देने लगती जो उसके लिए हेल्पलेस था और उसको और ज़्यादा इल बना देता। इसलिए ऑथर खुद से उसको कंज्यूम करते और हर एक अर्ली मॉर्निंग टाइम पर वो अपने घर पर इंतज़ार करते कि कब से फिर डजन एग्स आएंगे और ऑथर अपने पास उनको संभाल कर रखेंगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब यहाँ पर ट्रिकी के लिए उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए उसको वाइन पिला सकते थे, इसीलिए ट्रिकी के लिए जो एक बेस्ट लंच बन गया था वो था लिकर, मींस लिक्विड, वो भी एक ड्रिंकिंग अल्कोहल के फॉर्म में, मींस वाइन के फॉर्म में। तो उसको दो ग्लास ऑफ वाइन मिलते थे लंच के टाइम पर हर एक मील को अपने अंदर रेजिस्ट करने के लिए, संभालने के लिए कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। सो नाउ वी हैव कवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एंड टुमोरो वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लास। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।